नमस्कार साथियों, जय भोलेनाथ। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे मिलते हैं उन्हीं जैकेट से बोल या बोल। तो आपको हम रूबरू कराने वाले हैं जो रियल कोट है, जिसको कहते हैं असली में पहाड़ी कोट, जिसको कहते हैं हिमाचली कोट, जो कि भेड़ी के ऊन के। तो हम जो है वो कोट ऐसा होता है कि गर्म, और आप एक बार लेते हैं यकीनन लाइफ टाइम भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा कोट है कभी खराब नहीं होता और नेचुरल है। नेचुरल क्यों होता है? क्यों? ये भेड़ी के ऊन के हैं साथियों। जय भोलेनाथ साथियों, हर हर महादेव। और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हिमाचल की नेचुरल जो पहाड़ी कोट जो हमारे पास है, नेचुरल सेफ और सिप बुल में। इसमें ज्यादा कलर नहीं होता साथियों, इसमें 3, 4, 5, 6 कलर होता है, जिसमें से आपके सामने सारे वैरायटी यहाँ पे एक से बढ़ के एक। और सारे हमारे काम थोक के होलसेल के, और ये खूब बिकता है भारत में भी, भारत के बाहर भी। और जैसे कि हिमाचल प्रदेश से, जैसे कि उत्तराखंड है हमारी पड़ोसी राज्य, और हिमाचल उत्तराखंड जम्मू के लगभग सेम कल्चर है, पहरावा सेम है, और वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। देखिए एक से बढ़ के एक कोट हमारे पास स्टॉक पड़ा है साथियों। सिर्फ हमें चाहिए आपका साथ। जैसे आप दुकानदार है, आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप अपने लिए खुद के लेना है, अपने पिताजी को गिफ्ट देना है, या अपने दादाजी को गिफ्ट देना है, तो सबसे बेस्ट चीज है हिमाचली कोट, जो कि गर्म रहता है। जैसे मैंने भी पहना हूँ कोट, टोपी और मफलर। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, टोपी जो ट्रेडिशनल टोपी है, ये इंटरनेशनल टोपी है, भारत में भी, भारत से बाहर भी है। मफलर टोपी पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है, साथ में हिमाचली जैकेट, हिमाचली कोट। साथियों, हम आपको रूबरू कराने वाले हैं यहाँ के कारीगर से, जिनका नाम है। हाँ जी उस्ताद जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। और ये कोट सभी आपने बनाए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना दिन लगता है कोट बनाने में? कोट सर एक दिन पूरा लग जाता है एक कोट के लिए। एक दिन पूरा लगता है एक कोट में? लग जाता है स्टिचिंग के वो करने में, एक दिन लग जाता है पूरा। एक कोट बनाने में खर्चा कितना आता है? खर्चा तो इसमें आ जाता है कम से कम 4,000 के आसपास है। 4,000 के आसपास है। ये नेचुरल है? नेचुरल। भेड़ी का है, याक का है? भेड़ी का है जी। भेड़ी का है? हाँ जी, हाँ जी। याक का भी होता है? याक का भी होता है, याक बुल भी होती है। अच्छा, यहाँ पे कोई याक का है? ये आएगा याकबुल सर, याकबुल में जो डबल शेड में आएगा ये याकबुल होगा। ओके, हाँ जी। ये याकबुल का पहचान क्या होता है, डबल शेड? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये याक बोलिए। इसके अलावा बाकी सब भेड़ी के? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये था साथियों यहाँ के कारीगर जिनका द्वारा ये बनाया जाता है। अभी हम रूबरू कराने वाले हैं यहाँ के, छोटी उम्र में बड़ा कुछ कर चुके हैं, इस फैक्ट्री के ऑनर से। हाँ बोलिए जी, पूछिए जी। कैसे हो सर आप? क्या जाना चाहते? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। ये कितना कोट है सर यहाँ पे इस टाइम? ये हमारे स्टॉक के अंदर तो रहता है जी 1,000 के आसपास कोट, गर्मी के स्टार्टिंग में। जैसे हमारा माल सेल आउट होना शुरू हो जाता है, तो अभी तो स्टॉक में शायद 100-150 पीसेज होगा। ये सभी थोक रेट में है? हमारा टोटल काम थोक का ही है जी। अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहता है तो सिंगल पीस ही मिल जाएगा, पर मैक्सिमम हमारा थोक का ही काम है। टोटल थोक का काम है, टोटल थोक का काम। इसके अलावा क्या क्या मिलते हैं आपके पास? हमारे पास कुल भी ट्रेडिशनल कैप्स, जैसे रह गया हैंड नीटिंग कैप रह गया, जैसे बूल का बना होता है, और उसके अलावा किनौरी कैप, शॉल वगैरह जो भी अदर्स आइटम है, कुल भी जो भी ट्रेडिशनल आता है सब हमारे पास तैयार रहता है। टोटल तैयार रहता है, टोटल मिलेगा आपको A to Z आइटम जो भी कुल्लू की ट्रेडिशनल है ना, शॉल से लेकर कैप से लेकर जो भी आपके पास आपके लेना चाहते हैं, तो हर चीज हमारे पास अवेलेबल मिलेगा आपको। 12 महीना एनी टाइम?
और इसके अलावा आप बाहर भी माल बेचते हो? कुल्लू सॉक्स वगैरह जो भी है हमारा हैनीटिंग जो बनता है तो आपको हमारे पास मिल जाएगा, थोक में भी परचून में भी दोनों मिल जाएगा। थोक में भी परचून में भी जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आप लेना चाहते हो, क्वांटिटी में लेना चाहते हो तो फिर भी मिल जाएगा, अगर आप सिंगल पीसेज लेना चाहते हो तो सिंगल भी मिल जाएगा। सिंगल भी मिलेगा, थोक भी मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, थोक एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा आपको, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, एट अ टाइम मिल जाएगा सामान, एट अ टाइम एडवांस ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, यानी कि एडवांस ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, एडवांस रेडी मिलेगा आपको सामान, या रेडी मिलेगा जितना चाहो उतना, जो भी चाहो आप जितना चाहो। ओके सर, सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सर आपका ये शॉप कहाँ पे है, किस नाम से? ये मिलेगा आपको जी कुल्लू बस स्टैंड के नजदीक है, शिवनाथ चौल करके बिपाशा मार्केट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम है, हमारी शॉप का नाम है शिवनाथ चौल इम्पोरियम, इसमें आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हमसे तो यही है यहाँ का एड्रेस, जिससे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब में आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी जानना है तो। थैंक यू सर। ओके सर। साथियों ये थे यहाँ के ऑनर, बहुत सी छोटी सी मासूम सा चेहरा है और देखने में चॉकलेट हीरो शाहिद कपूर का कॉपी है, और जो हमारा यहाँ के कारीगर है वो भी देखने में चॉकलेट ही लगता है यार, क्या बात है, क्या सस्ता महंगा ओरिजिनल ब्रांडेड सारे कोट यहाँ पे मिलते हैं, आपको जैसा चाहिए ऐसा यहाँ पे उपलब्ध है, जब चाहे तब आपको ऑर्डर मिलेगा, 1000 पीस हमेशा यहाँ पे स्टॉक होता है हर वक्त हर समय। इसके अलावा हमारे पास हिमाचली ट्रेडिशनल कल्चर जो पट्टू कहते हैं, जो कि हिमाचल के आन बान शान महिला पहनते हैं, जहाँ पूजा पाठ कहीं शादी कोई फंक्शन में पट्टू लगाते हैं, ये है पट्टू, एज ए सैंपल दिखा देते हैं आपको, ये कौन से पट्टू सर? इग्नोरी पट्टू है जी, सिंगल वेल, सिंगल फूल, साइड गुड़ी, साइड गुड़ी इसको कहते हैं, सिंगल फूल। अच्छा, इसके बाद होता है, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट वेट करना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं एक फूल बेल वाला, बेल इसका नाम होता है जो कंटिन्यू आता है, जो बूढ़ी रहता है उसमें गैप में आएगा ये। ओके सर, मंदिर रहेगा गैप में आएगा, okay. जो बेल वाला रहेगा वो तो लगातार होगा पूरी लाइनिंग में। ओके okay. और इसके अलावा जाता है तीन फूल बेल बोलते हैं इसको, तीन फूल बेल, ये आया आपका तीन फूल बेल वाला, अभी आपको दो फूल नजर आ रहे हैं, जब पूरा खोलूंगा तो तीसरा फूल भी नजर आ जाएगा, तीन फूल, इसको तीन फूल बेल बोलते हैं, तीन फूल बेल, टोटल हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड, इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में रच भी कहते हैं, रच में बनाया जाता है, रच में बनाया जाता है, होता है एक रच होता है, ओके, एक खड्डी एक रच, ये रच का बना होता है, खड्डी का थोड़ा लाइट वेट होता है, रच का जो बना होता है उसका हैवी वेट होता है, हैवी वेट, उसका वेट ज्यादा होगा, ओके, क्वालिटी वाइज भी हैवी रहेगा और गर्म भी ज्यादा रहेगा, ये गर्म भी ज्यादा रहेगा, ये चीज होती है खड्डी और रच का जो डिफरेंस रहेगा यही रहेगा जी। ये महिलाएं हमेशा पहनती है, कब का पहनते हैं? ज्यादा तो आजकल सर्दी में यूज होता है, वैसे गर्म रहता है ज्यादा, बाकी आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, यंगस्टर भी पहनना शुरू कर दिया, यंग गर्ल जो रहती है वो भी पहनना शुरू कर दिया इसको आजकल, बाकी पहले तो ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं पहनती थी इसको जी, आज के फैशन के दौर में अब सभी लोग पहनने लगे इसको जी 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 जी, जैसे यंग गर्ल्स है चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो सब यूज करने लगे इसको आजकल, बिल्कुल पट्टू, बाकी थोड़ा नॉर्मल रेंज के सिंपल पट्टू वो भी मिल जाते हैं हमारे पास, जैसे इस टाइप का, इसमें ज्यादा वर्क नहीं होगा, सिंपल सा फूल होगा, एक सिंगल फूल, ओके, ये भी मिल जाता है, ये खड्डी में बनता है, खड्डी का, खड्डी में बनता है, पहले जो दिखाया आपको वो रच का था, रच का, वो साइज भी इसकी लेंथ थोड़ी बड़ा रहती है, इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, शॉर्ट रहती है, ओके, फुल कवर करेगा आपको, फुल कवर करेगा, ये है पट्टू का, बाकी जो भी इसके अलावा और भी जानकारी चाहते हैं तो आप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या पर यूट्यूब चैनल है वो तो जी 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 सर, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर जानकारी चाहते हैं तो कुलवी ट्रेडिशनल के बारे में जो